रिजल्ट ओरिएंटेड, दो चीजें की काम फास्ट होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि कुछ भी एक्टिविटी करो उसका रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं सेंक्शन हो जाएगा सब हो जाएगा लेकिन उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, ये इनका इशू है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे एनजीओ साथियों का, सर वो सीजीएम साहब का वेलकम करें। गुड मॉर्निंग सर, मैं नीम प्रकाश शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि। ये सर ल्यूपिन का ही सिस्टर कंसर्न है जिसका आपने कल भरतपुर में विजिट भी किया है सर। हम लोग 2007 से अपना सर नाबार्ड के साथ हमारी एसोसिएशन है। फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था उस समय एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था 50 SHGs के लिए, उस समय कवन कुमार जी थे, लेकिन वो उस एग्जीक्यूशन जो हमारे उसका हुआ प्रोग्राम का, तो बाबा साहब जब SHGDM अलवर आपने ज्वाइन किया उसके बाद में एक्टिविटीज किया, तो हमने एक SHG प्रोग्राम से शुरू किया। इस बीच में टिल 22 तक हमने कई प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जिसमें अपने फार्मर्स क्लब हुए, FPO प्रोग्राम हैं सर, UPNRM का प्रोग्राम हमने किया हुआ है और कुछ एक दो स्पेशल प्रोग्राम भी बाबा साहब थे उस समय, पायलट प्रोजेक्ट हमने एक लीड क्रॉप का ऑगमेंटिंग ऑफ लीड क्रॉप प्रोडक्टिविटी ऑफ लीड क्रॉप सर, और एक TTCCM का एक ट्रेनिंग ऑफ मास्टर फार्मर्स एंड फार्मर क्लब सर, ये अपन ने किया था। अभी वर्तमान में जो मेजर प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया सर, एक रूरल हार्ट का हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी कंप्लीट हो रहा है जिसका आज इनोग्रेशन आपके कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा सर। और अभी देखें तो अभी एक MEDP हमें कल सैंक्शन हुआ है सर उसका, तो उसको भी हम बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। रनिंग में अभी हमारा मेजर कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में नहीं, और जैसा मार्गदर्शन आपका हमें मिलता रहेगा तो जरूर हम इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे। मैं समझता हूँ सर अभी कुछ मेरा कि अगर हम अगर अलवर की बात करें तो यहाँ अलवर वाटर स्क्रेसिटी काफ़ी है, ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे पहुँच गया है, तो हम कुछ सर NRM बेस्ड कुछ प्रोग्राम जिस एरिया में आज आप चलेंगे रूरल हार्ट के लिए, वो एक इंटीरियर विलेज है सर जो कि अलवर का मेरे हिसाब से वहाँ से फिर दौसा बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, राजगढ़ जो ब्लॉक हेडक्वार्टर वहाँ से भी अराउंड 25 किलोमीटर, नियर बाई मार्केट राजगढ़ 25 आए या फिर उधर दूसरी जगह जाएँ तो बांदी कोई या बांदी कोई वो भी 25 किलोमीटर पड़ता है, तो वो पूरा बैरन हिल्स उधर इस तरह की टोपोग्राफी है। तो अगर हम इस तरह का नाबार्ड इसमें सपोर्ट करता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो पॉकेट्स हैं उनके लिए काफ़ी ये सब हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं अजीत सिंह गुजर, लोक विकास शिक्षण संस्थान से प्रेसिडेंट। 2007 से हमारे NGO नाबार्ड के साथ में काम कर रहे थे, दिलीप सर यहाँ थे बाबा जी उस टाइम से और अभी तक हम जुड़े हैं, और सन 2007 में आपको हमने SHG का प्रोजेक्ट सेक्शन हुआ था, उसके बाद में सन 2012 में SHG का और अभी तक हम वर्किंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं रणवीर रत्नू, मैं राजस्थान संस्थान से एडमिनिस्ट्रेटर। नाबार्ड के साथ सर हम 2011 से जुड़े हुए हैं और तब से सर हमने UPNRM प्रोजेक्ट किया है और राजस्थानी गोल मेकिंग पर भी हमने काम किया है और अब तक नाबार्ड के साथ हम विभिन्न परियोजना में काम कर चुके हैं। आपके FPO के बारे में पूछ रहे हैं। महाशक्ति FPO सर 2015 से रजिस्टर्ड था जिसमें 778 महिलाएँ बेनिफिशरीज हैं और FPO को सर राजस्थान मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है और हमें हमारा मिल्क कलेक्शन सर 5,000 से 25,000 लीटर की क्षमता। सर मैं राकेश धवन, राजस्थान संस्था मैनेजर। इसी कड़ी में सर मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारे जो FPO अभी कोविड के कारण थोड़ा मिल्क का काम कम कर दिया था कलेक्शन का और अब फिर से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हम टारगेट लेके चल रहे हैं कम से कम हम 25,000 से शुरुआत करके 2,00,000
तक पहुँचे। आप एस एस जी का परफॉर्मेंस कर दीजिए। एस एस जी मेरे 325 बैंक लिंकेज मैंने करवा दिए और 4 या 5 बार सबको रनिंग हो चुकी है और मेरा एन पी एक भी जीरो एन पी है मेरा। SSG sensors. And after that, we have continued some many activities with the NABARD. And presently, we are running 2 FPOs, 2 watershed, and other associations with the NABARD activities. And apart that, we are working with a focus on the women livelihood empowerment. Now we have near about 450 self-help group, and out of them, near about 250 SSGs are linked with the livelihood activities. We are basically working with the goat promotion activities. Now we have the FPOs with the Spectra Adarsh Upadak Mela Producer Company. That FPO is working on the goat selling promotion. So we have the many activities with the goat promotion, how can we do the trainings and what will be the procedures, where they can go and slowly. And how can the women are getting the benefit from the FPO promotions. And apart that, we are working with the girl child education, especially for the girl child education. We have the 150 learning centers. Yeah, these girls are not enrolled and maybe drop out, so like that. And we are focused on the, as Ved Prakash told that, natural resource management. So we have the result-oriented work in the Alwar that you will connect or find that where they are working. So you will be the fact that only the water level will be there 100 feet, and apart that surrounding the area there will be the 1,000 or 1,100 the depth of the water. So there is a milestone that we have the piezometers, you can check every 2 times in a day water availability of the air. And we are mixed cropping working on that and the sea sums like that program. So that is the empowerment. सर नमस्कार, मैं से रोजगार कुमार, जनसंपर्क संस्था रामगढ़। और हमारी संस्था 2004 से नाबार्ड के साथ एसोसिएट है और शुरू में 50 SSG का प्रोग्राम मिला था, उसके बाद फिर 100 SSG का मिला, उसके बाद फिर 100 SSG का मिला। इस तरीके से हम लगातार नाबार्ड के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ ही फार्मर्स क्लब के पर हमने काम किया अलवर ब्लॉक में, अलवर डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में और कोटकास्टिंग के ब्लॉक में भी काम किया। और उसके साथ MEDP प्रोग्राम नाबार्ड के साथ काम किया है और अभी 350 SSG हमारे जो है रन कर रहे हैं और ICICI बैंक के साथ, PNB के साथ, SBI बैंक के साथ लिखे हैं, रेगुलर चल रहे हैं सर, कोई डिफॉल्ट नहीं। नमस्कार सर, गोकुल सैनी, युवा जागृति संस्थान का मैं सचिव पोस्ट पे हूँ सर। और नाबार्ड के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2015 से कंटिन्यू वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग में हमें 50 SSG का प्रोजेक्ट सेंशन हुआ, उसके बाद हमें 250 SSG का नाबार्ड ने प्रोजेक्ट फिर से सेंशन किया। एट प्रेजेंट हमारे पास 378 SSG हैं सर और कम्प्लीटली 100% उनका रिपीट आ रहा है, कोई भी ऐसा SSG नहीं है जो NPA हो। इसके अलावा हमें 5 फार्मर्स क्लब दिए गए हैं जिससे हम फार्मर्स को इनोवेटिव एग्रीकल्चर्स में अलग अलग तरह के सेगमेंट्स में जोड़कर और उन्हें आधुनिक कृषि की पद्धतियों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक FPO है जो महिलाओं का है, युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसमें 500 जो मेम्बर्स हैं और आज सर आपके हाथों से वहाँ AGM भी होगा और साथ में हमारे LEDP प्रोग्राम का इनोग्रेशन भी आप करेंगे सर, बानसूर में हमारा सेटअप है सर। इसके अलावा अभी नैब स्किल को भी हमने कंप्लीट किया है जिसमें
180 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमें आवंटित किया गया था। हमारे थ्रू बांसू के ऐसे 148 गांव हैं सर पूरे ग्लोब में। हर गांव से हमने एक एक महिला को आइडेंटिफाई करके मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से एक डिजिटल ग्लोब के पायलट प्रोजेक्ट हमने मिनिस्ट्री के साथ किया और भारत का एक पहला मॉडल ग्लोब बना के और उसमें SHG की महिलाएँ हैं सर जो DGPay के थ्रू डिजिटल ट्रांजेक्शन करती हैं और अमेजन और मिनिस्ट्री के CSR से हमने वहाँ पर 5-5 कंप्यूटर की लैब सेटअप कराई है। SHG की महिलाएं लोगों को डिजिटल लिटरेट कर रही हैं, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू वो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रही हैं, पेंशन वगैरह निकालना। अभी जस्ट उसका अगला फेज हमें मिनिस्ट्री ने डिजिटल डिस्ट्रिक्ट दिया है जिसमें हम NRLM बाकी जो SHGs हैं उनको जोड़कर और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम हर गाँव में एक महिला को बैंकिंग सखी के रूप में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर हम IBM और AIF के साथ भी हम CSR में काम कर रहे हैं। Amazon, SPO, NASCOM के साथ भी हमारा डिजिटल लिटरेसी के लिए बेसिकली वर्क चल रहा है और अभी पिछले महीने हमने डिजनी के साथ अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में एक वाटर प्योरिफिकेशन के लिए वर्क हुआ था जिसमें अनिल कपूर और रेरर करके जो आए थे वो एक ट्रक पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ थी। थैंक यू। नमस्कार सर, मैंने भी विपुल, आई एम वर्किंग एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सर एक्चुअली NRLM एक्चुअली सर NRLM यहाँ 2015 से काम कर रही है और अभी तक 4 साल में हमने लगभग 7,000+ SHG बन चुके हैं। जहाँ तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है सर, 3,500 अबव फर्स्ट लिंकेज और 4,000 से अबव हो चुके हैं लगभग रिपीटेड लिंकेज। और जहाँ तक नवार्ड की बात है सर, हमने पहले ई शक्ति प्रोजेक्ट किया था यहाँ पर और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था मेनली अलवर में और उसके बाद हमने LEDP भी किया। कोऑर्डिनेशन जहाँ तक बात है सर, हमारा BRKGB और कोऑपरेटिव बैंक के साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है और उसका सबसे अच्छा योगदान अगर देखा जाए तो VDM से कराता है क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी रहती है तो क्रेडिट लिंकेज में दिखता है सर, क्योंकि यहाँ पर हाइएस्ट पहले PNB करते थे लोन, अभी हाईएस्ट आपका BRKG भी कर रही है। तो उसके बाद सर हमने यहाँ पर लाइवलीहुड के डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं वो एक्चुअली NRLM के थ्रू चल रहे हैं। आगे हम एक बैंक बनाना चाहते हैं सर, NRLM यहाँ पर राजीविका एक बैंक बनाना चाह रही है जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 6 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अलवर फर्स्ट पे आता है। तो उसको महिला निधि के नाम से यहाँ पर बैंक चल रही है, बैंक बनेगी सर। उसके लिए अभी वहाँ पर हैदराबाद में हमें भेजा जा रहा है, वहाँ पर एक लर्निंग करके अभी उसका फेज है 15 अगस्त तक हम लोग लॉन्च करने का CM साहब सोच रहे हैं। और सर हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम लगभग अच्छे चल रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैं CM साहब से को बताना चाहूँगा कि सर यहाँ पे हमारी जितनी भी संस्थाएँ हैं, जितने भी डेवलपमेंट वर्क हैं वो काफ़ी बेहतरीन हो रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं सारे काम। हम ये कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे उनको ट्रैक किया जाए, चाहे कोई ट्रेनिंग हो। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट, हमारा जो मुख्य मकसद है नाबार्ड का, प्लेसमेंट टाइमली होना और जो भी जैसे नैप स्किल है मैं निरंतर, क्योंकि जो भी हमारे ट्रेनिंग से लगभग सारे शायद प्लेसमेंट हो चुके हैं, इंश्योर करते हैं MEDP हो। इसके अलावा सर रिसेंटली हमने लास्ट ईयर वाटरशेड का इनिशिएशन किया था यहाँ पे, क्योंकि जितने भी 16 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे सर, सारे ब्लॉक्स हैं उसमें ओवर एक्सप्लॉयटेड हैं। तो मेरी ये सोच थी, मतलब इनफैक्ट हमारे NGO के साथ हम मंथली बेसिस पे सर वी टू रिव्यू द प्रोजेक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड सर। हम 1 तारीख को मैंने डिसाइड किया हुआ है एट 12 o'clock एवरी मंथ हमारा ऑनलाइन मीटिंग होती है, लास्ट टाइम भी हुई थी। तो जो जो मेरे आइडियाज़ होते हैं, जो जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आई टू शेयर थ्रू दैट नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा सर। तो इसके अलावा सर वाटरशेड में अभी काम किया ही है और बाकी संस्थाएं भी जैसे MSDD है, युवा जागृति भी है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, बट टेकिंग NOC इज क्वाइट डिफिकल्ट इन राजस्थान सर। तो NOC मिलना SLMA से थोड़ा मुश्किल पड़ता है। एनीवे वी आर ट्राइंग कि NOC मिल जाए और हमारा जो मकसद है आने वाले टाइम पे जो हमने तय किया है दैट इज मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग ऑनलाइन और फिजिकल मोड में। यहाँ पे सर 3 रूरल मार्ट आर वर्किंग थ्रू नाबार्ड सपोर्ट और अभी 2 और का चांसेस है। रूरल हार्ट तो है ही, फिजिकल स्टोर्स सभी संस्थाओं के हैं, फिजिकल स्टोर्स CLF जो बनी है सर, CLF के स्टोर्स हैं। इनफैक्ट राजीवा के हर जगह काफ़ी सारे छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स दे हैव स्टार्टेड और हमारे सभी संस्थाओं के भी फेडरेशन हैं, फेडरेशन बोर्ड पे। आई थिंक स्पेक्ट्रा ने काफ़ी सारे कितने शॉप की यहाँ पे
125 shops have been started through CLF, sir. And apart from them, online marketing mein one agency Yuva Jagriti has started. We have also started na. So two agencies have started online marketing of sale. So my focus is ki how we can market our products. That's more important. Marketing of products, skilling the youth, or watershed. आपको पता होगा हमेशा ये बात बोलता हूँ मैं कि मार्केटिंग में हमारा फोकस होना चाहिए वाटरशेड, वाटर कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और यूथ को स्किल करके, बिकॉज सर दिस इज बिग प्रॉब्लम इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, द क्राइम रेट इज वेरी हाई सर. सो वॉट एवर माई इंटेंशन की अ लिटिल पार्ट व्हाट नाबार्ड कैन प्ले इज अबाउट ट्रेनिंग द यूथ, अबाउट स्किलिंग द यूथ एंड प्लेसमेंट. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. एज यू नो सर माइट बी नोइंग कि सर इज नोइंग एक्चुअली, बिकॉज अलवर में इन राजस्थान क्राइम रेट नंबर वन. Sir, Alwar is the only district where two SPs are used to sit, sir. Alwar is divided into two parts, sir. Alwar and Bhiwadi. Two SPs are sitting here, sir. So, I am trying that, sir. And I think you will visit in the visit house, sir. Thank you, sir. Crime rate was also now. Sir, you will know. कि एस सी जी एम सर ने मुझे अपने साथ लेके आए यहाँ पर कि अलवर जाने के लिए. तो ये हमारी है सर, सी जी एम साहब का और आपका, कि आप अलवर पर आ रहे. सी जी एम सर का काफ़ी अनुभव है. सी जी एम सर केरल से हैं और अभी आसाम से आए हैं और काफ़ी मतलब गहराई से चीज़ों को समझते हैं और समझाते हैं. तो आप लोगों से मेरा संपर्क और चर्चाएं चलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. तो अब मैं सी जी एम सर से ये अनुरोध करूँगा क्योंकि उनका जो गहन अनुभव है इस क्षेत्र में, वो आपसे शेयर करेंगे और चर्चा करेंगे और कैसे आपके प्रोग्रामों को जिले में और किस तरीके से हम गति दे सकते हैं उसके ऊपर सर बताएंगे. फॉलो करता है नबार्ड के साथ जो भी पार्टनर करेगा उसका भी कैपेसिटी नबार्ड की तरफ बढ़ाने का. आप सिर्फ नबार्ड में नहीं काम करता है, आप नबार्ड से जैसा बाकी और संस्थाओं से भी काम करता है. आपको एक प्रोफेशनलिज्म रूट में लेकर आने के लिए और आपका जो प्रोफेशनल आउटपुट और प्रोफेशनल अदर प्रोफेशनल रिजल्ट्स थोड़ा अच्छा होने के लिए हम लोग भी आपके साथ करके और हमारा भी कैपेसिटी इंक्रीज हो गया. हमारा दोस्त लोगों को जिधर आप लोगों के संपर्क करके हमारा भी कैपेसिटी बढ़ गया. ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ कैपेसिटी, हमारा भी कैपेसिटी और हम भी अभी बहुत हमारा सोच भी हम 80 में और 90 में क्या सोच रहे हैं, नहीं हमारा सोच भी हम अलग किया है. इसलिए कि हमारा भी सोच हमारा भी सोचे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आप हमारा पार्टनर्स को भी हम कैपेसिटी आगे में डेढ़ पोस्टिंग हम लोग ये सोच रहा हूँ हमारा करियर में एक इम्पोर्टेंट वेरी व्हाट यू कॉल ना हमारा करियर प्रोग्रेशन में एक इम्पोर्टेंट पोस्टिंग है. हम ये सोच रहा हूँ नॉट ओनली फॉर दिस करियर प्रोग्रेशन बट अंडरस्टैंडिंग एक ग्रास रूट लेवल एक्टिविटीज के लिए हमारा हम लोग सब डी डी एल बना करके ही हम लोग को भी इधर तक आया हूँ. सो हमारे जो एक्सपीरियंस है वो सब डीडीएम का वो पीरियड से हुआ है और हमारा डीडीएम से भी यही फोकस करने के लिए सबके साथ वो मोदी जी का सबके साथ सबका विकास वो सब ये ऐसा है कि हमारा डीडीएम चल रही है और जो भी है यू कैन इंटरैक्ट टू अस थ्रू द डीडीएम. ऑल आर वेलकम. आप दीजिए एंड लेट अस आप जो इधर काम कर रहे हैं बहुत अच्छा हो गया आपका. बहुत अच्छा यही हो गया हम आपका एसोसिएशन हमसे 10 साल से ज़्यादा है. आई एम वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू टू बी एसोसिएटेड विद नबार्ड इन टेकिंग नबार्ड्स ऑब्जेक्टिव्स टू द ग्रास रूट लेवल एट द फुल लेवल. थैंक यू. थैंक यू. एक मैं कहना चाह रहा हूँ सर को बहुत सारी उम्मीदें. प्रदीप एक दो बार मुझे फ़ोन करके बोले कि सर बाकी जिलों में टेलरिंग ब्यूटी पार्लर ये आप करते हो, अलवर में नहीं करते हो आप. मैंने कहा अलवर में नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है. सभी एनजीओ 12 साल के एसोसिएशन वाले एनजीओ नबार्ड में बहुत कम है इस ज़िले को छोड़कर. मुझे शायद ही लगता है कि बहुत कम एनजीओ जो सर्वाइव कर पा रहे हैं हमारे साथ से. तो आपसे हमारी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा है जैसा सर ने भी बोला.
तो आप इनोवेटिव और जो जिले के विकास में, अभी क्राइम रेट की आप बात कर रहे थे, भिवाड़ी में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर हम नैब स्किल के प्रोग्राम वहाँ पर है ना उसको प्लान करो और इस तरीके से मतलब जो है हम नए नए प्रोग्राम जिससे तुरंत उनको रोजगार मिले, इस तरीके का हम प्रोग्राम करें। टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, ये जो है ना कई सालों से आप लोग कर रहे हो और अब आपसे अपेक्षाएं हमारी बहुत ऊपर की तरफ हैं, तो मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सब वो पूरी करेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी डीडीएम्स आए, मैं पावा सर के साथ में जुड़ा था और इनके लगाए हुए पेड़ आज बरकत बन गए हैं, 5,00,000 से 15 करोड़ के मतलब ऑडिट पे आ गए हैं और उसके बाद 2 डीडीएम्स आए रघुवंशी जी और प्रदीप जी, ये इसको बखूबी निभा रहे हैं, इनके ही मार्गदर्शन से सारी चीजें चल रही। जैसा आपने जो बोला कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अलवर जिले का एक प्राइम फोकस और टैगलाइन भी है, अगर रिजल्ट के साथ काम करेंगे। ट्रेडिशनल जितनी चीजें थी, ये वर्ड मैंने पावर सर से सीखा था कि जो ट्रेडिशनल चीजें पहले बार विजिट करने गए आप उसका करें, हम हमारे भी दिमाग में नहीं था कि क्या करें, तो इनका वर्ड आया कि जो ट्रेडिशनल जो काम करते हैं, चाहे खेती हो, पशुपालन हो, चाहे जितने भी आर्टिजन्स का काम है, वो काम करें, तब से ये वर्ड समझ में आया था। और हम लोग कैसे एग्रीकल्चर पे काम कर सकते हैं, जैसे SRI टेक्निक का इंट्रोड्यूस यहाँ पर, कम लागत, कम इनपुट डालने के बाद ज़्यादा लागत हो रहा है, कैसे पशुपालन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विदर्भ का किसान जो मरा उसके पीछे कारण यही है कि वहाँ पर पशुपालन नहीं था तो खेती पे मरे, सूखा पड़ा, ड्राई हो गया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन राजस्थान में इस तरह की यहाँ परिपाटी अलवर जिले में चली है और निश्चित है कि जो आप वुमेन FPO की बात कर रहे हैं ऑलरेडी 2016-17 से बन चुके हैं, इसमें स्पेशली वुमेन फार्मर्स हैं सारे के सारे, कोई उसमें जेंट्स नहीं है और दोनों FPO आज अलवर जिले में और साथ में भी बनाए हैं, लेकिन स्पेक्ट्रा के दोनों ही फार्मर जो FPO है वो वुमेन्स के साथ में है। दूसरा, कैसे महिलाओं की इनकम बढ़े, एक नाबार्ड के टैग के साथ आज हम राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन में भी टेक्निकली उसके रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वही दो सरकारें, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, वो हमारे कार्य क्षेत्र को देख के गई हैं और दोनों ही स्टेट में हम लोग टेक्निकल एक्सटेंडर के रूप में उनके साथ काम कर रहे हैं। हरियाणा के 4 जिले हैं और हिमाचल के 5 जिले हैं, जहाँ पर कैसे इनकम एनहांसमेंट कर सकते हैं SFG के साथ। आज राजविका के साथ ही बैठे हैं, ई शक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये भी DDM सर का मतलब सपोर्ट रहा कि कैसे राजविका के ग्रुपों के साथ भी ई शक्ति प्रोग्राम को लेके जाएं, जिले में सारी चीज़ें हम लोगों ने काम किया। आपने देखा NP नहीं है तो सारे जो NGOs हैं वो बड़े फोकस्ड होकर उन पर काम करते हैं, कारण है गरीब महिलाओं का पैसा बैंक तक वापस जावे, कोई NP नहीं हो, कोई फ्रॉड नहीं हो और उस काम को कैसे पैसे से ले सकते हैं। आज आपको एग्जाम्पल ऐसे सेट मिलेंगे कि एक SHG को अगर लोन मिला है तो उससे इनकम हुआ है, 2012-13 में अगर लोन मिला तो आज 2018-20 में उसके पास करीबन 20 से 22 लाख रुपए, मतलब एक वेमेन ने इनकम करी है गोट बेस्ड एक्टिविटीज में। तो तोतापुरी का जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए और आज वो एक बकरी से लेके आज तक 18-20 लाख रुपए की इनकम है और ये सबूत है, DDM साहब ने देखे भी हैं और हम लोग अलग अलग तरीके से बिजनेस को तैयार कराते हैं। लैंड आपने बिल्कुल सही कहा, लैंड साइज बिल्कुल कम होता जा रहा है क्योंकि डिवाइडेड हो गया तो 0 से मार्जिनलाइज हो गया, 0 बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा जमीन बची है, जमीन तो बच गई लेकिन पानी नहीं है, तो वहाँ पर कैसे मल्टी क्रॉपिंग हो सकता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे ला सकते हैं, तो उसमें हमने शीशम सागवान के पेड़ लगाए हैं जो आज करीबन 5-5 करोड़ रुपए के वो बिक रहे हैं। तो निश्चित है कि अलवर जिले में नाबार्ड का एसोसिएशन से सारी संस्थाओं का रेपुटेशन बढ़ाए, मैं तो स्पेक्ट्रा की बात करूँ, जब हम पावर सर के साथ 2-3 बार गए तो सर 50 SHG का दे दो तो बोले यार क्या है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो धीरे धीरे करके फिर इन्होंने प्रमोट किया, जैसे जैसे मतलब एक प्रोजेक्ट मिला तो आज वो 5 लाख से ऊपर तक पहुँचे। और टेक्निकल रूप से मतलब आज हम चाहे राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन में भी जो गोट बेस की बात आई तो वहाँ जब हम लोग इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर किरित पटेल जी वो थे, वेटनरी एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बोला बकरियाँ तो बढ़ा देंगे, मैंने खिलाओगे क्या, आपने मान लो एरिया में बकरियां तो कर दी तो उनको चारा क्या दोगे, आप अगर स्टॉल फीडिंग नहीं कराओगे, आप फील्ड में लेके जाओगे तो कितना खाती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था, फिर वो डेवलप कराया, आज वो तक बढ़ के गया है। FPOs में आज स्थिति है कि सबके पास इनपुट लाइसेंस है, खाद बीज का है,
हायरिंग सेंटर्स भी मिले हुए हैं, जो आईपीओ प्रमोशंस की राजस्थान सरकार की या इंडिया की बात कर रहे हो तो अभी शायद वित्तीय सलाहकार भी मतलब जो केंद्र सरकार के थे वो आके विजिट करके गए हैं। उन्होंने अलवर में राजस्थान के 50-60 एनजीओज के चयन में अलवर की शायद 2 एनजीओज का चयन भी हुआ है जो एफपीओज में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर माइलस्टोन तैयार कर रहे हैं और आपके दिशा निर्देश में और भी आगे जो काम होगा हम लोग करेंगे। अभी जैसे हम लोग ने मशरूम का काम किया तो हम लोग शिमला में, ऊना में और हमीरपुर में जैसे बाई बैक का हमने पहले परचेज किया तो जिसमें 2 मशरूम थे जैसे गंडोरमा और सिचा के 100% वो लोग खरीद रहे हैं, तो अभी हमने करीबन 350 यूनिट वहाँ पर इस्टेब्लिश किए और मार्केट के साथ लिंकेजेस कर रहे हैं। फार्म और नॉन फार्म दोनों एक्टिविटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, अमेजन पे, ई हार्ट पे, दूसरा वहाँ पर हमारे ग्रुप बने हुए हैं राजस्थानी स्पेक्ट्रा के नाम से, उसमें मार्का है और बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें जा रहे हैं। तो निश्चित है सर जो आपकी अभिलाषा जो सर ने बताया 12 साल का है वो कंटिन्यू चलेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड काम आपको देंगे सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं सीजीएम साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने आके हमारे सभी साथियों को और हमको मोटिवेट किया है और साथ में बताने की कोशिश की है कि नाबार्ड का एसोसिएशन कितना स्ट्रांग है हमारे स्टेक होल्डर के साथ में और कितनी अपेक्षाएं हैं। तो हम सबकी भी, इनफैक्ट मेरी एज ए डीडीएम और आप सभी का जो एसोसिएशन है उनकी रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई इसीलिए कि जो हमारा एसोसिएशन है उसको स्ट्रेंथन हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे सीजीएम सर की एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे डीजीएम साहब की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको कैसे फुलफिल करना है। तो मैं आपके बिहाफ में सर को आश्वासन देने की कोशिश करूँगा कि सर जो भी हमारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो नाबार्ड को फोकस करते हुए रूरल एरिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा नाबार्ड का फॉर्मल क्रेडिट स्ट्रक्चर इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे और डिजिटल ट्रांजैक्शन सब कुछ को प्रमोट करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे जो डेवलपमेंट एक्शंस है इसको अलाइन करें। तो आप सभी से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं बॉस, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है इसलिए पूरा इंटरेक्शन शायद नहीं हो पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी विजिट होगी सर जल्दी हमारे पास दोबारा आएंगे, बिकॉज सर अभी सिर्फ 2 एनजीओ के पास हम विजिट कर पा रहे हैं और हमारे बाकी एनजीओ साथियों ने भी कहा था कि सर सर का विजिट है तो हमारे यहाँ पे, बट टाइम का शॉर्टेज है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट हम प्लान सर से निवेदन करेंगे थ्रू डीजीएम साहब ऑल्सो कि वो जल्द दोबारा पधारें और हमारे इनिशिएटिव्स को देखें, सराहें और हमें और मोटिवेट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पधारे, सीजीएम साहब का, डीजीएम साहब का और आप सबके लिए प्लीज़ हमारे